सेलेक्टिव शीट नंबर 35 वर्क डन में कितने लोगों ने ट्राई की, और क्वेश्चन नंबर वन में डाउट वन में, स्टोन जिसका मास 0.4 केजी है इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 9.8, तो एक स्टोन है 9.8 से ऊपर फेंका, फाइंड पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर हाफ सेकेंड। ये क्वेश्चन मोशन का क्वेश्चन है, क्योंकि आपको इसके लिए एच भी चाहिए और आपको इसके लिए वी भी चाहिए। तो आप पहले यहाँ पर एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा के क्या लगाओगे, एस निकाल लोगे। तो ऐसा आ गया आपके पास, एस आ गया, एस मीन्स एच आ गया, हाफ सेकेंड में वो कितनी हाइट अटेन कर रही है बॉडी। तो फिर आप एम जी एच में इस हाइट को यहाँ पुट करके एम जी एच से आंसर निकाल देना, पहला आंसर। और हाफ सेकेंड में वेलोसिटी क्या एक्वायर्ड है, वी डैश इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब वी डैश निकाल लेना, वी डैश आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर से क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, कितना हो गया था ये, हो रहा है, सही है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू, कितने लोगों का हो गया, हो गया, कितने को डाउट है? देखो आपने इसको कैसे किया, काइनेमेटिक्स मोशन लगा के किया या एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, एनर्जी कंजर्वेशन लगाया या v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस से कर दिया? अच्छा ठीक है, देखो कंजर्वेशन लगा के मेरे को लगता है कि फिर काइनेमेटिक्स या मोशन लगाने की जरूरत कहाँ है। पहले मुझे एक बात बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ लगती और कहाँ नहीं लगती, क्या रूल अपनाते हो इसके लिए, मतलब क्या मन में आता है? अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा दूँ जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगती ना हो, आप कैसे पहचान पाओगे लगेगी कि नहीं लगेगी, बताओ, बोलो। नहीं, एंगल से लेना देना है ही नहीं, तुम ग्रेविटी को किसी भी एंगल पे ले जाओगे इन ग्रेविटी बॉल को, एनर्जी कंजर्वेशन लगती है, क्यों नहीं लगती? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कोई रूल ही नहीं है। ग्रेविटी में वो इनिशियल फाइनल पोजीशन देखता है, बीच में पाथ तो देखता ही नहीं, और मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी नहीं, ये यहाँ से पत्थर आया लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन। तो कैसे डिसाइड करते हो लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर वैल्यू से नहीं, फिजिक्स के हिसाब से क्या रूल है एनर्जी कंजर्वेशन लगेगी या नहीं लगेगी? नहीं नहीं वो ठीक है, वो तुम्हें कैसे पता ऊपर और नीचे एनर्जी कंजर्व, नहीं वो तो बोलता ही नहीं है कि ऊपर नीचे की एनर्जी सेम कर दो, हाइट सेम होनी चाहिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस, बस यही रूल है। अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, जैसे ग्रेविटी, जैसे स्प्रिंग फोर्स, वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगती है, और अगर नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन, कभी एनर्जी कंजर्वेशन लग ही सकती, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस सिर्फ आपका नुकसान ही कर सकती हैं, क्योंकि उसमें क्या होगा, पाथ फॉलोड पे है और वो आपका वर्क डन डिसिपेट ही करेंगी, एनर्जी डिसिपेट होगा। तो यही रूल है कि आप इसमें क्या करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेस देखेंगे, क्योंकि आपने अगेंस्ट ग्रेविटी फेंका, ग्रेविटी की फोर्सेस कंजर्वेटिव, वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करती है, और जो वर्क डन इनिशियल फाइनल पे डिपेंड करता है वहाँ एनर्जी कंजर्वेशन लगती है। तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है, एनर्जी कंजर्व होगी। तो इसके अंदर बॉल को ऊपर फेंका, वेलोसिटी ऑफ यू इज इक्वल टू 20, और बॉल कहाँ पर गई, एच हाइट पर, आपको निकालना है एच हाइट कितनी है। रूल सिंपल है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इक्वल करेंगे, लेकिन एक कंडीशन गिवन है, क्या कंडीशन गिवन है, कि जब बॉल को ऊपर फेंका, वो कह रहा है कितनी हाइट उसने अटेन की, विल इट्स काइनेटिक एनर्जी बी हाफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। मतलब अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से क्या आनी चाहिए, हाफ होनी चाहिए। तो ऊपर जाके काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाए, हाफ हो जाए, ये क्वेश्चन है। तो आपको वो हाइट बतानी है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नीचे के पॉइंट से आधी हो जाए, तो नीचे के पॉइंट पे क्योंकि वेलोसिटी 20 पता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम इंटू 20 स्क्वायर, और पोटेंशियल मान लो कितनी है, जीरो, ग्राउंड है। और हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी एच। इक्वेट करो, इक्वेट करोगे एम एम एम, कैंसल कैंसल होके एच की स्टेट पे वैल्यू आ जाएगी, ऐसे किया, ऐसे करना है, कोई डाउट इसमें, रूल समझ में आ रहा है? हालांकि आप इसको और तरीके से भी कर सकते हो, आप काइनेमेटिक्स से पहले एच निकाल लो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस, पर मेरे को लगता है एनर्जी कंजर्वेशन वन ऑफ द शॉर्टेस्ट तरीके है जिससे कि आप अपनी वैल्यूज को निकाल सकते हैं। यहाँ तक ये स्टेप क्लियर है, ये कैसे क्वेश्चन करना है? ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 230 जूल वर स्पेंट इन लिफ्टिंग अ 10 केजी वेट टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर. आपको एक्सेलरेशन बतानी है. कितने लोगों का ठीक हुआ ये? आंसर आ गया, आ गया. तो आंसर में आपने लॉजिक क्या लगाया इसमें? आपने मोशन लगाया, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू ए स्क्वायर वी यू प्लस एटी लगाया, नहीं लगाया, ऐसे ही किए. देखो एक्चुअल मेथड बताता हूँ फिर शॉर्टकट बताता हूँ. एक्चुअल मेथड क्या है? जब आप एक ऑब्जेक्ट को एमजी ऑब्जेक्ट है, मान लो एक वेट है, उसको उठा के आप एक पॉइंट ऊपर लेके आते हो. मान लो आप एज डिस्टेंस ऊपर ले आए. मैंने हमेशा आपको क्लास में बोला कि मैंने फोर्स लगाई होगी ऊपर की तरफ, कितनी? एमजी. क्योंकि मैंने कभी भी पत्थर को एक्सलरेट करवा के ऊपर लेके नहीं आया. हमने इवन पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन भी की थी और डेरिवेशन भी की थी लास्ट टाइम. पोटेंशियल एनर्जी की डेरिवेशन में एमजीएच फॉर्मूला आता है. पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो फॉर्मूला आ रहा है एमजीएच या वर्क डन का, उसमें फोर्स में एमजी प्रोवाइड करता हूँ, एमजी, और एमजी के साथ मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जो मैंने फोर्स अप्लाई की वो एमजी के इक्वल है. लेकिन यहाँ पर वो ये कह रहे हैं पत्थर को उठाने जिसका वेट एमजी है, पर पत्थर को कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से नहीं उठाना. अगर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगी, एफ एमजी के इक्वल होगा. यहाँ पर आपको क्या करवाना है? एक्सेलरेट करवाना है. अब सोचो न्यूटन के लॉ से आपने फोर्स एफ अप्लाई की, वेट ऑब्जेक्ट का नीचे है और आप एक्सेलरेट करवा रहे हैं, तो न्यूटन का लॉ क्या कहता है? एफ माइनस एमजी इज इक्वल टू एम ए. तो आपने फोर्स कितनी लगाई होगी? एम इंटू जी प्लस से. तो आपने फोर्स कितनी लगाई? एम इंटू जी प्लस से फोर्स लगाई और आपने एच डिस्प्लेसमेंट करवा दी. 2 मीटर तक आप उसको ऊपर लेके गए तो आपकी फोर्स भी ऊपर है, 2 मीटर भी ऊपर है. तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? एफ इंटू टू. एफ की वैल्यू आपको पता है, टू आपको पता है. इन्हें मल्टीप्लाई करके मास पुट करो, जी पुट करो और आपको वर्क डन की वैल्यू पता है 230. यहाँ से सॉल्व करके ए की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड. आंसर पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकलेगी इसमें? लेकिन मेरे को लगता है कि ये क्वेश्चन को इतना करने की जरूरत थी नहीं. क्यों? हमने लिफ्ट के केसेस किए थे, याद करो, लॉज ऑफ मोशन में. और हमने ये कहा था कि अगर कोई बॉडी लिफ्ट में नहीं है, ग्राउंड पे है, और उसका आंसर अगर वेट का, मान लो वर्क डन का एमजी आता है या एनर्जी का फॉर्मूला एमजीएच आता है, और अगर वो लिफ्ट ऊपर एक्सेलरेट कर रही हो, तो जहां जहां जी दिखता है वहां वहां जी प्लस ए कर दो. तो मैंने वही शॉर्टकट लगा दिया. वैसे फॉर्मूला क्या बनता है एमजीएच? जब आप एच हाइट पर किसी बॉडी को कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आते हो, लेकिन अगर आप एक्सेलरेट करवाते हो तो जहां जहां रिलेशन में जी दिखता है वहां वहां जी प्लस ए कर दो. सीधा शॉर्टकट बनेगा. चेक कर लो आंसर इसमें और इसमें एग्जैक्टली सेम. तो क्यों ना ये लगा ले. तो आज के बाद शॉर्टकट क्या लगेगा? एमजीएच तब लगेगा जब कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आए, और अगर एक्सेलरेट करके लेके आए हैं तो एम इंटू जी प्लस ए इंटू एच लगेगा. यहां से पुट करके आंसर आ जाएगा. वर्क डन 230 पता है आंसर. मेथड समझ में आ रहा है यहां तक? शॉर्टकट क्लियर है यहां तक? एक्सेलरेशन के केस में क्या करेंगे इसमें? ठीक है, नेक्स्ट है. सेम क्वेश्चन है, सेम रूल है. कैसे? कैलकुलेट वर्क डन इन लिफ्टिंग 300 न्यूटन वेट. पत्थर का वेट गिवन है 300 न्यूटन, तो उसका मास क्या होगा? एमजी पता है 300, तो मास क्या होगा? 300 बाई जी. जी कितना है? 10. तो आंसर क्या आएगा? 30 kg. तो मास आ गया. आप लिफ्ट कर रहे हो और एक्सेलरेट करवा रहे हो. जब आप एक्सेलरेट करवा रहे हो तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? m into g into h, नहीं, m into g plus a into h. अब आपको वर्क डन निकालना है. m पता है, g पता है, a पता है और हाइट भी पता है. सॉल्व करके आंसर. तो शॉर्टकट समझ में आ गया. जब एक्सेलरेशन करनी होगी तो क्या करना होगा इसमें? कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक. नेक्स्ट है बुलेट वाला क्वेश्चन. हो गया ये? देखो कॉपी में नोट करो, इसे रजिस्टर में नोट करो. टाइप ऑफ क्वेश्चन है एक. देखो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है. वैसे नॉर्मली हमने इस टाइप की प्रॉब्लम को किया हुआ है. वैसे मुझे पता नहीं कितने लोग इसको रिलेट कर पाएंगे कि नहीं. आप फिर भी लिख ले एक बार. क्या? आप इमेजिन करें कि आपके पास ये एक बुलेट है. ठीक है, आप लिखें ये एक बुलेट है. बुलेट का मास m है और वो यू वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आ रहा है. तो बुलेट का मास m है और वो यू वेलोसिटी के साथ मूव करता हुआ आ रहा है. सामने एक
पेंडुलम यहाँ ये बॉक्स लटका हुआ है, वुडन ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक यहाँ पे लटका हुआ है कुछ ऐसे। वुडन ब्लॉक का जो मास है वो कैपिटल एम है, और वुडन ब्लॉक किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। तो यहाँ पर एक बुलेट है, एक कैपिटल मास, ब्लॉक का मास कैपिटल एम है, तो बुलेट इस मास को हिट करेगा, लकड़ के ब्लॉक में घुस जाएगा, और फिर ये कॉमन वेलोसिटी से आगे मूव करेंगे। जब ये वर्ड कॉमन वेलोसिटी आती है, क्या कॉन्सेप्ट लगता है? मोमेंटम कंजर्वेशन, टक्कर से पहले टक्कर के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। हमने ये किया था पहले, तो बस पेंडुलम नहीं था तो क्या हो गया, पेंडुलम ना हो तो आपने देखा होगा इसमें हमने ऐसा क्वेश्चन किया था कि आफ्टर जब इसे हिट किया जाता है तो दिस ब्लॉक विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी, विद अ कॉमन वेलोसिटी, और इसका मास क्या हो जाएगा, एम प्लस एम, क्योंकि ब्लॉक का मास तो होगा ही होगा, साथ में बुलेट का मास भी हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा, एम प्लस एम की वैल्यू हो जाएगी। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब जब भी कॉमन वेलोसिटी निकालनी हो तो मोमेंटम कंजर्वेशन, तो क्या इक्वेशन बनेगी, टक्कर से पहले बुलेट का मोमेंटम एम यू और ब्लॉक का मोमेंटम जीरो, और फिर टक्कर के बाद एम प्लस एम इंटू वी कॉमन, वी कॉमन। तो यहाँ से वी कॉमन की वैल्यू आ गई, वी कॉमन की वैल्यू आएगी एम यू डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, ये वैल्यू आ गई। इसे नोट कर लें, ठीक है यहाँ तक? तो सबसे पहले काम ये होता है जब बुलेट ब्लॉक को हिट करते हैं और फिर दोनों इकट्ठे मूव करते हैं, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉमन वेलोसिटी। चलो एक बार आपके पास कॉमन वेलोसिटी आ गई, अब आपने क्या करना है, कॉमन वेलोसिटी आ गई, वो कहेगा कि बताओ ये जो कंबाइंड सिस्टम है ये कितनी हाइट अटेन करेगा, ये आपको बताना है। तो चलो एक काम करते हैं, मान लो ये एच हाइट अटेन करता है, एच ऐसे, तो मैं मान लो ये एच हाइट अटेन करता है, तो ये ग्राउंड मान लेते हैं, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, ठीक, ये ग्राउंड हो गया। इस ग्राउंड से ये जो हाइट है वो कितनी है, वो एच है, और इसका मास कितना है, एम प्लस एम है, क्योंकि बुलेट इसके अंदर है। तो जब भी अगेंस्ट ग्रेविटी जाते हैं, अब ये पेंडुलम की प्रॉब्लम है, और जब भी अगेंस्ट ग्रेविटी जाती है तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, ये ग्राउंड है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक इन दोनों पॉइंट्स पर एग्जैक्टली क्या रहने वाली है, सेम। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक की वैल्यू सेम, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, जीरो, और काइनेटिक की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये वी कॉमन से मूव कर रहा है, तो यहां पर आएगा हाफ एम प्लस एम इंटू वी कॉमन का स्क्वायर, और यहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या हो जाएगी, जीरो। ठीक, तो आप इन्हें इक्वेट कर लें, इक्वेट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, हाफ एम प्लस एम इंटू वी, चलो इक्वेट इक्वेट करके इसकी वैल्यू आएगी, मैं ये मिटा देता हूं अभी, यहां तक लिख लो। तो यहां पर आप इन्हें इक्वेट करें, इक्वेट करके एच की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, एम प्लस एम दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये समझ में आ गया? तो ये तो पेंडुलम के केस हमने काफी बार किए थे कि पेंडुलम जब ऊपर जाता है तो एनर्जी कंजर्व रहती है, दैट इज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों पॉइंट पर सेम है, तो यहाँ पर ग्राउंड मानते हुए पोटेंशियल क्या हो जाएगी, जीरो, काइनेटिक क्या होएगी, हाफ एम प्लस एम इंटू वी कॉमन स्क्वायर, वहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच, और काइनेटिक क्या हो जाएगी, जीरो। अब इन्हें इक्वेट करके एच की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं जब बुलेट ब्लॉक को हिट करते हैं और फिर कॉमन वेलोसिटी से आगे जाते हैं, तो जब बुलेट हिट करता है तो हमेशा पहले मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा, फिर उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन का काम स्टार्ट होगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक? तो इन्हें इक्वेट करें,
तो इक्वेट करके हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ एम प्लस एम इंटू वी कॉमन का स्क्वायर इज एम प्लस एम इंटू जी इंटू एच ऐसे। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी v कॉमन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी, और आप v कॉमन तो निकाल ही चुके हैं, कितना m u डिवाइडेड बाय m प्लस m का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g। ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको ऐसी ऑप्शन दिख सकती हैं पेपर के अंदर, ऐसा ए बी सी डी ऑप्शन दिख सकता है, पर कॉन्सेप्ट समझो, आंसर जो भी आएगा कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो अब जो क्वेश्चन हुआ नहीं उसको ट्राई करना न्यूमेरिकल शीट में। दोनों न्यूमेरिकल सेम जैसे सही है। तो ट्राई करते हैं इसे अपने न्यूमेरिकल के अंदर, लिख लिया। ठीक है, देखो बुलेट जिसका मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम का मतलब 10 बाय 1000 kg, 100 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है गिवन है, और सामने एक पेंडुलम रेस्ट पे है। फिर ये बुलेट इसके अंदर आ जाएगा तो इसका टोटल मास क्या हो जाएगा, बुलेट का मास प्लस ब्लॉक का मास, ब्लॉक का मास 990 ग्राम है, तो टोटल मास आ गया जो कि मिला के 1 kg आ जाएगा। फिर कॉमन वेलोसिटी निकलेगी, कॉमन वेलोसिटी कैसे निकलेगी, टक्कर से पहले मोमेंटम 100 × 10/100, इसका मोमेंटम क्या है जीरो, टक्कर के बाद 1 kg इंटू वीसी, वीसी की वैल्यू आ गई 1 m/s। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ये बात समझ में आ रही है? तो यहां पर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई आपके पास कॉमन। अब आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक नीचे और ऊपर सेम, पोटेंशियल तो यहां पर जीरो जाएगी, काइनेटिक हाफ इंटू मास, मास क्या पुट करेंगे 1 kg, क्योंकि बुलेट और ब्लॉक इकट्ठे मूव कर रहे हैं, तो मास की वैल्यू यहां पर क्या होगी 1 kg, और कॉमन वेलोसिटी आपको पता है कितनी है 1 m/s, 1 1, और यहाँ पर मास फिर से क्या पुट करेंगे यहाँ पर 1 kg जी इंटू एच, वैसे मास से मास तो वैसे भी कैंसिल हो जाता है, हाइट निकाल लेना, हाइट की वैल्यू आ जाएगी। मेथड समझ में आ रहा है? आज जो हमने टाइप ऑफ क्वेश्चन किया बिल्कुल इसी टाइप के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, समझ में आती है बात, कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। तो जिनका होगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पे है, और चेक कर इसका आंसर क्या आ रहा है, सेम पैटर्न है, मोमेंटम कंजर्वेशन लगेगा फिर आंसर आएगा, लेंथ का कोई काम नहीं है क्योंकि वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है ना, इसलिए जब एंगल गिवन होता थीटा फिर एच की वैल्यू पुट करते एल माइनस एल कॉस थीटा, याद है तब लेंथ का काम था। ठीक है यहाँ तक। अब जैसे क्वेश्चन है, सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 1 m हैज अ वुडन बॉब ऑफ मास 1 kg, ये रहा 1 kg, इट इज स्ट्रक बाय अ बुलेट ऑफ मास विद मूविंग विद अ स्पीड ऑफ गिवन, बुलेट गेट्स एम्बेडेड इनटू अ ब्लॉक, घुस गया उसके अंदर और फिर ऑब्टेन दी हाइट। सेम क्वेश्चन है, ये आप एक बार खुद ट्राई करेंगे, वही सेम बुलेट है और सेम उसकी वेलोसिटी गिवन है, मास गिवन है, फाइंड कॉमन वेलोसिटी, कॉमन वेलोसिटी लगा के फिर से क्या लगेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। लिखने से कुछ ना होगा, खुद ही करने से होगा, जो होगा खुद करें, आप इसे होमवर्क नोट करें, जैसे भी करें खुद ट्राई करें, क्या करेंगे, मेरी शीट ले जाए प्रिंट आउट लेके लिख लेना घर जाके, तब भी टेस्ट में कुछ नहीं कर पाएंगे, खुद करना है। बोलो ठीक है, तो वो क्वेश्चन एक बार खुद ट्राई करना है आप लोगों ने कि कैसे मोमेंटम कंजर्वेशन से फिर एनर्जी कंजर्वेशन से आंसर आएगा, सेम टेक्निक है, ओनली वैल्यूज डिफरेंट और कुछ भी नहीं है इसमें।
ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कितने लोगों का हुआ? हो गया। देखो हो सकता है ये क्वेश्चन हो भी जाए, और हो सकता है आपके मेथड सही भी गलत भी हो सकते हैं, मुझे पता नहीं, पर मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके अंदर ना कुछ कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है जो मुझे डिस्कस करना है। देखो क्या करना है, सपोज करो आपके पास ये एक ब्लॉक है जिसको मैंने इसके टॉप से 2 मीटर पर सेकेंड से रिलीज किया। ये ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है और बी पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। ये हाइट आपको गिवन है 4, ये हाइट आपको गिवन है 1, आपको ये दूरी गिवन है यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर की दूरी है, लेंथ 12 मीटर है, डिस्प्लेसमेंट नहीं, लंबाई टेढ़ी मेढ़ी 12 मीटर है। ये फ्रिक्शन यहाँ प्रेजेंट है, तो मैंने ये डैश का मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन है कि, और 3 kg का ब्लॉक है, वो ये पूछ रहा है कि अगर इसकी वेलोसिटी 2 से नीचे आते 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 6 हो जाए तो बताओ रास्ते में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। बस ये क्वेश्चन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं फिर न्यू टाइम्स mg कर दूंगा या mg cos थीटा कर दूंगा, तो गलत नहीं सोच रहे। मैं पहले यही देख रहा था, जब इंक्लाइन प्लेन पे आएगा तो मैं फटाफट f इक्वल टू म्यू टाइम mg cos थीटा कर दूंगा, फिर आंसर आएगा। फिर 2 चीज़ मेरे माइंड में आई, म्यू तो दिया ही नहीं, तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो मतलब वो फॉर्मूला लगाऊं कैसे, मैं लगा नहीं पाया। फिर मैंने और सोचा कि जब ये यहाँ तक चल रहा है तब तक तो मैं मानता हूँ नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा है, पर जैसे ही यहाँ पे आया नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो गया, सरफेस चेंज हो रही है, नॉर्मल रिएक्शन चेंज हो रहा है, फ्रिक्शन भी चेंज हो रही है, तो मैं एवरेज फ्रिक्शन निकाल पाऊंगा, इंस्टेंटेनियस फ्रिक्शन तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो तो हर इंस्टेंट पर आगे जाके जब टेढ़ी मेढ़ी सरफेस है नॉर्मल रिएक्शन चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इंस्टेंटेनियस फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज होनी स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे को एवरेज फ्रिक्शन निकालनी है, यहाँ से यहाँ तक बात खत्म हो जाती है। मेरे माइंड में आया, मुझे सिखाया था अगर बॉडी ऊपर से नीचे ग्रेविटी के अगेंस्ट आती है, तो मुझे सिखाया था ग्रेविटी इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलो, जैसे मर्जी टेढ़ी मेढ़ी आपकी बॉडी आई उसे क्या फर्क पड़ता है ग्रेविटी को, ग्रेविटी ये देखती है कहाँ से आई कहाँ पे गई, बस। तो मैंने कहा ए पे आई बी पे गई, तो मैंने सबसे पहला काम यही किया, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट एंड काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट ए, और यहाँ पर पोटेंशियल एंड काइनेटिक एट पॉइंट बी। तो मेरा मन किया मैं इन्हें क्या कर दूँ, सेम कर दूँ, मेरा मन तो ये किया, पर मुझे याद आया रास्ते में एक और फोर्स काम करती आ रही है जिसका नाम क्या है, फ्रिक्शन, और जो कि नॉन कंजर्वेटिव, तो वो मना करती है कि एनर्जी कंजर्वेशन मत लगाना। तो अगर फ्रिक्शन ना होती ना, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, क्योंकि अकेली कौन सी फोर्स थी, ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कंजर्वेटिव है, वो तो इनिशियल फाइनल देखती है, रास्ता देखती नहीं है, उसे का लगा दो एनर्जी कंजर्वेशन, पर बीच में आ गई फ्रिक्शन जो रास्ता ही देखती है, इनिशियल फाइनल देखती नहीं है। अब यहां पर ओवरऑल कॉम्बिनेशन में मैं एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि फ्रिक्शन भी काम आ गई, तो फ्रिक्शन आपकी एनर्जी को लॉस करेगी। समझ में आ रहा बात यहां तक, क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो इतना मुझे समझ में आ गया कि यहां पर एनर्जी पक्का ज्यादा रही होगी और नीचे आने में एनर्जी कम हुई होगी, ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन ने आपकी कुछ एनर्जी को खराब किया ही होगा, कोई डाउट इसमें, फ्रिक्शन ने कुछ एनर्जी खराब की होगी तभी ऐसा हुआ। तो इसका मतलब इसका और इसका सम इक्वल नहीं हो सकता, इसका मतलब दोनों का सम इक्वल नहीं हो सकता, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? तो फिर क्या करें, तो फिर एक आइडिया आया, दिमाग लगाया कि एनर्जी कम कैसे हुई, फ्रिक्शन ने कम किया, तो फ्रिक्शन ने वर्क डन किया, इसका मतलब 12 मीटर तक वर्क डन किया है, और जिससे मेरी एनर्जी में लॉस हो गया, तो यानी कि इनिशियल एनर्जी, सॉरी चेंज ऑफ एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल इतनी है टोटल, इनिशियल ए पॉइंट पे इतनी है टोटल, टोटल टोटल में लॉस हो जाएगा, ये टर्म पक्का नेगेटिव ही आएगी, क्योंकि बी पे एनर्जी कम होने वाली है, ए पे एनर्जी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि फ्रिक्शन ने लॉस किया होगा, और ये एनर्जी इसलिए कम आई, ये डिफरेंस इसलिए आया क्योंकि वर्क इज डन बाय फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव काम नहीं करता, फ्रिक्शन नेगेटिव काम करता है, और फ्रिक्शन रास्ता देखता है, डिस्प्लेसमेंट भी नहीं देखता, फ्रिक्शन तो डिस्टेंस देखता है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, माइनस एफ इंटू 12, सही है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या है, माइनस एफ इंटू 12, 12 मीटर के डिस्टेंस तक काम कर रहा है, और पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ का मतलब लेंथ पे डिपेंड करता है, लेंथ का मतलब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे नहीं करता, आपको एक्चुअल डिस्टेंस लेना होता है। तो लॉस ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन,
तो मैंने बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल ली, एम जी वन ग्राउंड है ना, अगर ये ग्राउंड है तो एम जी इंटू वन, काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम इंटू सिक्स का स्क्वायर, पुट कर दिया एम जी वन और हाफ एम सिक्स। अब ए पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है, एम जी इंटू फोर, और काइनेटिक क्या है, हाफ एम इंटू टू का स्क्वायर। यहाँ पे मास की वैल्यू 3 किलो पुट करके फ्रिक्शन निकाल लेना, आंसर आएगा 3.36। ओ 12 है ये, 2 नहीं है ये, 12 है, 12 कर लेना। मेथड समझ में आ रहा है कि क्या किया। अब एक पॉइंट एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, पूछ भी सकता है, शायद घर जाके ख्याल आ जाए, वो हाँ कह के चला गया, हाँ ठीक है समझ में आ गया, समझ ठीक है हो गया, गलत नहीं है ये, सही किया मैंने, ना सही होता मैं शीट पे ये क्यों लिखता, गलत आंसर क्यों लिखूंगा। उसने कहा कि जैसे आपने वर्क रणजीत थ्योरम अपने टेस्ट में भी डाली थी और क्लास में करवाया भी था, कि वर्क रणजीत थ्योरम ये कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, वर्क डन जो आप करेंगे वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लाती है, कहाँ लिखा था पोटेंशियल भी लाती है, तो मैंने डेरिवेशन में हाइट भी कहाँ ली थी, मैंने भी तो सरफेस हॉरिजॉन्टल के ऊपर खेल गया था, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में ही चेंज आता है, पोटेंशियल में चेंज आता ही नहीं। लेकिन रियलिटी ये है कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी लगती है और वो पोटेंशियल एनर्जी को भी इन्वॉल्व कर सकती है, तो इसलिए टोटल चेंज इन एनर्जी, ये क्या लगाया मैंने, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है, टोटल चेंज इन एनर्जी का डिफरेंस आएगा इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो आप प्लीज जब पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व हो तो वहां पर टोटल चेंज में से टोटल चेंज निकालना है, सिर्फ काइनेटिक में से काइनेटिक नहीं निकालने। तो समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो टोटल में से टोटल लगाएंगे। फिर एक और क्वेश्चन आया कि चलो एक पार्ट तो हो गया और फ्रिक्शन की वैल्यू आपको मालूम पड़ गई कितनी है रास्ते की, आप ये बताओ कि अगर बी से अब आगे बॉडी गई तो कहीं आगे गई होगी, फ्रिक्शन होगी, और यहाँ पे आके रुक गई, रुक गई, तो रास्ते में ये रास्ता कितना था, इसकी लंबाई क्या थी, ये बताओ। पॉइंट नंबर वन, रुकी क्यों, किसने वर्क डन किया, बाय फ्रिक्शन। और फिर एनर्जी थ्योरम लगाते हैं कैसे, जब ये यहां रुक गई तो बोलो यहां पोटेंशियल क्या है, जीरो, काइनेटिक क्या है, जीरो, तो टोटल क्या है, जीरो, और चली कहां से थी, बी पे, बी पे पोटेंशियल क्या है, काइनेटिक क्या है, तो यानी कि डिफरेंस हो गया ना, तो पूरी की पूरी एनर्जी ही खत्म हो गई, तो टोटल एनर्जी जीरो है यहां पे, टोटल एनर्जी यहां पर क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक है, ये जो डिफरेंस है इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन अगेन माइनस एफ इनटू एस, एस आपको निकालना है, और फ्रिक्शन की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 3.35, पुट कर लेना, पोटेंशियल यहां पर एम जी वन है, काइनेटिक यहां पर हाफ एम सिक्स स्क्वायर है, यहां वैल्यू पुट करके फ्रिक्शन की वैल्यू पुट करके एस निकाल लेना, ऐसा आएगा। मैंने फिर से क्या लगा दी, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो पहले मैंने ए और बी में लगाई, फिर मैंने बी और यहां पे लगा दी, पर लगानी कैसी है ये समझ में आ रहा है यहां तक, हाउ टू अप्लाई, ये स्टाइल है क्योंकि आपको लगानी है न्यूमेरिकल्स के अंदर, आपको पता होना चाहिए, और ये इजी नहीं है बिल्कुल भी, आप कुछ ना कुछ मिस भी कर सकते हैं इसमें, इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। जैसे जब फोर्थ चैप्टर करते हैं तो फोर्थ चैप्टर में दो चार एक आध फोर्स ना मिस हो जाती है, भूल जाता है बंदा, कॉम्पोनेंट बनाना भूल जाता है, सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे ही इसमें अगर आप एनर्जी नहीं लगा पा रहे सही तरीके से, आपका क्वेश्चन सही आएगा ही नहीं कभी भी। तो ये प्रैक्टिस से बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कौन कौन सी एनर्जीज कहाँ पर लगाई जाती हैं, पॉइंट समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये इसलिए टफ भी हो जाता है, फोर्स दिखती हैं, वेक्टर दिखते हैं, कुछ छूट गया दिखता है, एनर्जी तो दिखती नहीं ना, तो इसलिए बेस्ट है आप टोटल में से टोटल निकाल लें, कुछ छूटेगा ही नहीं, ना पोटेंशियल ना काइनेटिक, दोनों के दोनों इन्वॉल्व हो जाएंगे इसमें। पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कैसे लगानी है एनर्जी, ठीक।